A very warm welcome, ma'am. Thank you so much for gracing Kala Ghora Reloaded with your presence. Ladies and gentlemen, an actor par excellence for the last 25 years and now an author of a very successful book, Divya Dutta. Let's have it once again for our guys. Come on. I mentioned before, ladies and gentlemen, a bona fide Bollywood star and a loved actress for the last 25 years. And thank you so much, ma'am, for gracing Kala Ghora Arts Festival Reloaded with your presence. I'd first of all just like to ask you, memories of Kala Ghora in South Bombay, where it was held as a child, as a school student, college? First of all, thank you so much for having invited me here again. Today's evening, I'd like to start on a different note. Today has been a day of loss of another beautiful mom, I would say. I'm here for Me&Ma, and a beautiful actress, a beautiful soul, a beautiful mother. So my heartfelt tribute to Sri Devi, and just a minute silence for the soul that's departed. So we'll just take a minute silence for her. Divya ji, आज आपका एक शो है, किस तरीके का ट्रिब्यूट, कैसे आप ट्रिब्यूट दे रही हैं श्री देवी जी को? वेल, एक तो एक बड़े शॉक की खबर है ये कि श्री देवी नहीं है. अभी ज़िंदगी की इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी हो गई है कि आप इनसे ज़्यादा फिट, इनसे ज़्यादा खूबसूरत इनके टाइम की हीरोइन अगर हम कहें तो कोई भी नहीं है. और अभी 10 दिन पहले उनके साथ मैं किसी सैलून में थी, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग हाउ प्रिटी, हाउ लवली शी इज़, एंड सडनली आप ये ख़बर सुनते हैं कि वो नहीं है. तो ज़िंदगी पर से एक तरह से भरोसा उठता है. एक ऐसी कलाकार जिन्हें आप बचपन से देखते आ रहे हैं परफॉर्म करते हुए, अपना जादू फैलाते हुए, और सडनली वो नहीं है. सो काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क जस्ट अराइजेज. इट्स वेरी अपसेटिंग, इट्स वेरी सैडनिंग. व्हाट डू आई से टू समबडी जो इतनी चुप रहती थी, बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब कैमरा के सामने आती थी तो कोई और ही होती थी बिल्कुल. शी यूज़ टू परफॉर्म लाइक मैजिक. लॉट्स टू लर्न फॉर ऑल ऑफ अस फ्रॉम हर, एंड जस्ट अ ह्यूज ह्यूज लॉस फॉर द इंडस्ट्री, फॉर ऑल द फैंस हु लव्ड हर, फॉर इंडिया, फॉर एवरी वन. एंड आई थिंक दिस इज़ वन शॉक विच इज़ बियॉन्ड बिलीफ. ये अभी तक मुझे तो सिंक ही नहीं हो रहा है कि शी इज़ नॉट देयर एनी मोर. तो आज मैं काला घोड़ा केस के लिए अपनी किताब के साथ आई हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जहन में बहुत ज़ोर से श्रीदेवी बसी हुई हैं. और माय ट्रिब्यूट्स टू हर, माय कंडोलेंसेस टू हर फैमिली, टू हर लवली टू डॉटर्स. मेरी किताब का नाम मी एंड माँ है, और मुझे लगता है श्रीदेवी बहुत 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 ही प्यारी माँ थी, एंड इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर द डॉटर्स. जस्ट गॉड ब्लेस. उनकी बहुत सारी फिल्में हिट हैं. कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा किरदार जिसे आप करना चाहें? वो उनकी तरह तो कोई भी नहीं कर सकता था. आई थिंक शी वाज, कोई भी फिल्म हो, चाहे चालबाज हो, चाहे मिस्टर इंडिया हो, चाहे लम्हे हो, चाहे चांदनी हो, कोई भी फिल्में हो, वो उनकी तरह तो कोई हो ही नहीं सकता था. चाहे वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस हो, चाहे वो एक सेडक्टिव सेक्सी बात हो, चाहे ग्लैमरस हो, चाहे खूबसूरती की बात हो, चाहे प्लेन ड्रामा हो या डांसेस हो, उनकी तरह कोई भी नहीं हो सकता था. एंड इसलिए आई थिंक जब भी मुझसे कोई पूछता था तुम्हारी फेवरेट कौन, आई यूज़ टू रियली टॉक अबाउट श्रीदेवी. एंड व्हाट डू आई से, दिस इट्स सैड, इट्स रियली वेरी सैड एंड वेरी शॉकिंग. उनके परिवार में किसी से आपकी बातचीत हुई हो या उसके बारे में? अभी तो मुझे लगता है कोई है ही नहीं, ना ही इसी किसी स्थिति में है कि कोई किसी से बात कर सके. अभी अनिल कपूर को मैसेज किया मैंने, लेकिन आई थिंक शाम तक उनको लेकर आएंगे, एंड आई थिंक एवरीवन इज वेटिंग. आप अपनी बुक के बारे में बताएं जो आज आप बुक लॉन्च, उस बुक में क्या सब्जेक्ट है, क्या है मी एंड माँ? मेरी किताब का नाम है मी एंड माँ, और मैंने अपनी माँ को खोया 2 साल पहले, और ये उनको मेमोर है, और बहुत प्यार मिला है इस किताब को. तो आज इस मौके पर शेयर करने आई हूँ यहाँ की ऑडियंस के साथ, कुछ पन्ने पढ़कर और कुछ लोगों से बातचीत करके. ये एक ट्रिब्यूट है एक माँ को, एंड आई थिंक मेरी माँ बहुत प्यारी दोस्त थी मेरी, और मेरे बहुत खूबसूरत लम्हे कुछ उनके साथ बीते हैं, तो उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए ये किताब लिखी मैंने, जिसका नाम मी एंड माँ.